सो इन टुडेज क्लास आफ्टर कंप्लीटिंग थ्योरम 6.1 हम थ्योरम 6.2 करेंगे आज, विच इज एग्जैक्टली द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 में हमने क्या स्टडी किया था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हमने स्टडी किया था, और थ्योरम 6.2 एग्जैक्टली उसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब जो आपने थ्योरम 6.1 में प्रूव किया था वो अब यहाँ पर आपको गिवन होगा। थ्योरम 6.1 में आपने प्रूव कर किया था कि ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, ये आपको आपने प्रूव किया था, राइट? यहाँ पर आपको एक गिवन होगा, यू कैन सी दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल होती है, मीन्स वहां पर ये गिवन था, वहां पर ये गिवन था कि लाइन जो है पैरेलल है तो वो ट्राइंगल की जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनको एक प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगी। यहाँ पर इसका अब उसका अपोजिट करो, इफ अ लाइन डिवाइड यानी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी कि रेशियो आपको गिवन है तो जो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करेगी वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये आपको ओके। कैसे प्रूव करेंगे हम? कैन सी दैट गिवन क्या है आपका? ट्राइंगल एबीसी, आपने ट्राइंगल लिया एबीसी, वेयर डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, वेयर डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, ओके। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये गिवन है आपका, नॉट प्रूव, ये गिवन है आपको कि जो ट्राइंगल ये जो लाइन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये जो लाइन है आपकी डीई वो ट्राइंगल की दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करे, इक्वल प्रोपोर्शन है। ये जो लाइन डी ई है आपकी, ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो बाकी ये जो दो साइड है ट्राइंगल की इनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करिए इक्वल, जो रेशियो यहाँ पर है वही रेशियो यहाँ पर। तो अगर ऐसा है तो आपको प्रूव क्या करना है, तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड से क्या होगी? पैरेलल होगी। वी हैव टू प्रूव दैट डी ई विल बी पैरेलल टू दिस, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, दैट लेट डी एफ, आपने एक लाइन ड्रॉ की डी एफ डॉटेड, डी एफ पैरेलल टू बी सी, लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी, वेयर एफ इज ए पॉइंट ऑन ए, लेट डी एफ पैरेलल टू, लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। देखो आपने अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं स्पीकर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, स्पीकर मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि हम फिगर से रिलेट कर सके, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपकी साइड होगी डी ई, और आपने कंस्ट्रक्शन किया डी ए, आपने क्या किया कंस्ट्रक्शन डी ए, तो लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी डॉटेड, मान लो डी ई की जगह डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल, मीन्स वी आर सेइंग दैट डी एफ बी जो है बी सी के पैरेलल, बट डी ई पैरेलल बी सी तो आपको प्रूव करना है, तो हमने कहा डी ई नहीं डी एफ बी सी के पैरेलल, लेट देर बी अनदर लाइन एक्सेप्ट एक्सेप्ट डी ई, देर बी अनदर लाइन दैट इज डी एफ विच इज पैरेलल टू बी सी, वेयर एफ इज अ पॉइंट ऑन ए सी, वेयर एफ इज अ पॉइंट ऑन ए सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ऑलरेडी ये थ्योरम 6.1 में आप पढ़ चुके हो कि अगर कोई भी लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो वो जो लाइन है ट्राइंगल की बाकी की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इट मींस व्हाट, जो आपका एडी है अपॉन डीबी शुड बी इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी, जो आपका एडी अपॉन डीबी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एएफ अपॉन एफसी, ओके। देन क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि AD अपॉन DB जो है आपका वो AE अपॉन EC के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये आपका गिवन। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम है और राइट हैंड साइड आपकी क्या इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम है और राइट हैंड साइड आपकी क्या इक्वल है,
अब ये कब पॉसिबल? आप ये कह रहे हो, आपने क्या कहा, अगर आप फिगर से रिलेट करो, आपने क्या कहा कि जो AF है आपका अपॉन FC, मैंने कहा AF अपॉन FC जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल। अब नॉर्मली अगर मैं रेशियो को कंपेयर करूँ लॉजिकली, नहीं आप नॉर्मल वे में आपको बता रहा हूँ, तो देखो जो AF है अपॉन एफ सी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये कब पॉसिबल? ये तब भी पॉसिबल है जब एफ जो है वो ई के साथ को इंसाइड कर, ये रेशियो तब भी पॉसिबल है जब आपका एफ जो है वो ई की जगह को इंसाइड कर जाए। जैसे ही को इंसाइड कर जाएगा, देखो अगर मैं आपको यहाँ पर रखता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ए है वही आपका ए एफ हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर आ जाते तो जो आपका EC है वही आपका FC हो जाएगा। इन दैट स्टेट यू कैन से दैट दीज आर इक्वल, बिकॉज देखो अपोजिट साइड में नहीं है, दोनों की दोनों जो रेशियो है आपके वो ट्राइंगल की एक ही साइड से बने हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कहा आपको कि AD अपॉन DP, राइट हैंड साइड से मैंने आपको कहा, मैंने राइट हैंड साइड से आपको कहा कि AE अपॉन EC, तो यहाँ तो समझ में आता है आपको भाई लेफ्ट हैंड साइड में AD अपॉन DB है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों डिफरेंट लाइन, ये अपोजिट लाइन। बट जिस रेशियो की आप यहाँ पर बात कर रहे हो, जिस रेशियो की आप बात कर रहे हो वो आपका राइट हैंड साइड में एक ही लाइन का रेशियो, एक लाइन का रेशियो डिफरेंट नहीं हो सकता, एक लाइन का रेशियो तभी इक्वल होगा जब वो कोइंसाइड करे सेम पॉइंट हो। जैसे कि मान लो एक मैंने एक लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन में आप ये देखो कि AF जो है आपका ये 2 है और AE जो है आपका से वो 4 है। AF आपका क्या है 2 और AE आपका क्या है 4, FC आपका क्या है 4 और EC आपका क्या है 2। अब निकालना जरा रेशियो, और मैं लॉजिकली रेशियो बना रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं बनाया। AE अपॉन AF, तो AE आपका AF की वैल्यू देखो आपकी कितनी है 2, और AF को मैंने 2 लिया क्योंकि अगर AF और AE का कंपैरिजन करते हो आप तो AF का जो डिस्टेंस है वो आपका स्मॉल है, उसको मैंने 2 ले लिया। AE जो है आपका वो AF से बड़ा है, उसको आपने 4 ले लिया। तो यहाँ पर देखो आपने AF की जगह रखा 2 और AE की जगह रखा 4, फिर आपने कहा FC, FC देखो FC और EC में कौन सा रेशियो बड़ा है आपका, FC बड़ा है ना, तो FC को मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने रखा 4 और EC जो है आपका 2। अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो ये तो आपका 1/2 आ रहा है और ये आपका 2/1 आ रहा है, उसका उसका रीजन भी है। तो पहले इसके केस में क्या है, AF और AE में से आपकी AF जो वैल्यू है वो छोटी है, तो न्यूमरेटर देखो आपका AE वाली साइड का बड़ा है। तो ऑन द सेम साइड रेशियो इक्वल तभी हो सकता है जब सारे के सारे पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, क्या करेंगे आपके कोइंसाइड, अगर वो कोइंसाइड नहीं करते हैं तो ये रेशियो इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप एक ही लाइन पर रेशियो को इक्वेट करते हैं, राइट। तो इसी चीज को आपको माइंड में रखना है जब आप इस थ्योरम के कन्वर्ट को प्रूव करो, राइट। तो कैसे करना है, आपने कहा कि ये तभी पॉसिबल है, AF अपॉन FC और AE अपॉन EC तभी इक्वल होंगे, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड, जब आपका F जो है वो है आपका E की पोजीशन पर आ, जब ई और एफ एक ही पोजीशन पर आ जाएंगे तो जिसको आप ए ई कह रहे हो वही आपका ए एफ होगा, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम हो गया, जिसको आप ई सी कह रहे हो वही आपका एफ सी होगा, तो आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी क्या हो गया आपका सेम हो गया। इट मीन्स जो हमारा एजम्पशन था वो गलत हो गया, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस तो जो लाइन पैरेलल होगी वो डी एफ नहीं होगी, वो डी ई ही पैरेलल होगी एफ सी, राइट। ये थ्योरम आपकी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इम्पोर्टेंट जो आपकी थ्योरम है वो वही है जो मैंने आपको अभी बताया, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 6.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.17। तो आपको दो डिफरेंट पार्ट गिवन है और दोनों ही पार्ट्स में आपको क्या गिवन है, डी ई जो है आपका वो बी सी के पैरेलल, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डी ई पैरेलल बी सी, तो फाइंड ई सी। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, ई सी, और सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, ए डी। क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आपका जो
डीई है वो बीसी के पैरेलल है, दोनों ही पार्ट में डीई जो है आपका बीसी के पैरेलल है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ईसी फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में आपको एडी फाइंड। कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में जैसे जैसे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू होगा, यू विल सी जो आपका जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे जाएंगे तब आपका लेवल बढ़ेगा, राइट। तो अगर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो आपको क्या फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में, ईसी। तो ईसी को मैंने एक्स दे दिया क्योंकि एक्स के साथ हमें हैबिट है वर्क करने की, तो मैं एक्स के साथ ही काम करूँ। तो लेट ईसी इक्वल टू एक्स, ईसी को आपने क्या ले लिया एक्स दे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज डी इज पैरेलल टू बी सी, एज डी इज पैरेलल टू बी सी। आपको बार बार क्या रहा, फिर से रिपीट करो। एग्जाम में आपको बीपीटी नहीं लिखना, आपको एग्जाम में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा लिख के आना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं थोड़ा आलसी हूँ इन चीजों में, तो मैं बार बार इतने बड़ा बड़ा नाम नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने बीपीटी लिख दिया। लेकिन मैं आलसी होने का मेरा रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार इसको लिखना है। आपको वहाँ पे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन करके आना। तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी क्या होता है आपको पता है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देन व्हाट, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब बहुत आराम आराम से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ आपको डाउट है वही माइक ऑन करके मुझे पॉइंट आउट कर देना कि ये वाला कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। ओके okay? जब आप ये वैल्यू पुट करोगे व्हाट वी विल हैव, एडी आपका क्या है 1.5 अपॉन डीबी, डीबी आपका क्या है 3। डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ये 30 हो जाएगा। इक्वल टू एई आपका क्या है 1 और ईसी आपका क्या है एक्स। तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, तो 1/2 इक्वल टू 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था? यस जसमीत योर आंसर इज करेक्ट। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है ए। पार्ट टू वी हैव टू फाइंड ए डी। तो लेट ए डी इक्वल टू एक्स एज डी ई पैरेलल टू बी सी। अगेन तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम व्हाट, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। What is the value of AD? That is X. And what is the value of BD? That is 7.2. Equal to AE. In place of AE, we will have 1.8 equal to 5.4 upon 5.4. Decimal से decimal remove हो जाएगा. 18 ones are 18, 18 threes are 54. Right? So cross multiply करोगे तो what we will have? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल हैव 3 × x 3x 7.2 × 1 7.2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2/3 दैट इज 2.4। तो x विल बी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से कोई डाउट किसी का? फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को? ओके तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। So your next question is E and F are point on the side PQ and PR. According to the question, E and F. देखो आपको E and F इसका जो आपका फिगर है आपका, ये आपको बनाना पड़ेगा। आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा PQR लाइक दिस। We need to draw a triangle. Just a minute. We need to draw a triangle like this PQR. P, Q, R, then E and F are point on the side PQ. PQ की साइड पर आपने एक पॉइंट ले लिया E और PR की साइड पर आपका एक पॉइंट हो गया आपका F, राइट। फॉर ईच ऑफ द, अब आपको चेक करना है ये आपको डिफरेंट केसेस गिवन। आप E और F को ज्वाइन कर दो, आपको डिफरेंट केसेस गिवन। डिफरेंट केसेस का मतलब, जैसे फर्स्ट केस में आपको PE की वैल्यू 3.9 गिवन है और ई क्यू की वैल्यू 3 गिवन है, पी एफ की वैल्यू आपकी 3.6 है, कितनी है 3.6, और एफ आर की वैल्यू है आपकी 2.4। एफ आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2.4। अब आपको ये पूछा गया, हर पार्ट में आपको ये बताना है इन चीज़,
ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन आपको हर पार्ट में ये बताना है क्या सॉरी क्या आपका ये जो EF है वो QR के पैरेलल होगा। आपको हर पार्ट में ये बताना है कि क्या आपका ये जो EF है ये QR के पैरेलल होगा। सिंपल सा इसका आंसर है, अगर मेरा PE अपॉन EQ, इफ PE अपॉन EQ कम्स आउट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये लाइन इसके पैरेलल तभी हो सकती है जब अपोजिट साइड की जो रेशियो है वो इक्वल हो। अगर ये वैल्यू इक्वल आती है देन वी सेड यस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो सभी पार्ट में आपको यही चेक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी। यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट। PE अपॉन EQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, देखो डायग्राम मैंने कॉमन रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपका PE जो है वो कितना 3.9। बट इस क्वेश्चन के लिए मैं एक फिगर यहाँ बना देता हूँ आपकी। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका E, दिस इज Q, दिस इज F एंड दिस इज R, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो PE आपका कितना 3.9 फर्स्ट पार्ट में, तो आपने रखा 3.9। फिर आपका EQ कितना 3, तो EQ की जगह आपने रखा 3 सेंटीमीटर। PF हो गया 3.6, PF कितना हो गया 3.6, और FR कितना हो गया आपका 2.4, FR कितना हो गया आपका 2.4। तो जब आप PE अपॉन EQ फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 3.9 अपॉन 3, डेसिमल को रिमूव करोगे जो 3 है वो क्या हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 3 9 और 3 10 30, ये रेशियो आ गया 13/10। ओके देन PF अपॉन FR, PF है आपका 3.6, FR है आपका 2.4। तो डेसिमल के बाद देखो वन डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। उसको जब आप सॉल्व करोगे 12 3 36, 12 2 24, तो यू कैन क्लियरली सी दैट जो आपका PE अपॉन EQ है इट इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो आपका पैरेलल नहीं है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है इट इज नॉट पैरेलल। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपका नेक्स्ट पार्ट, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट PE आपका 4 है, तो PE आपका 4 है, QE आपका 4.5 है, ये हो गया आपका 4.5, PF आपका 8 है, PF आपका 8 हो गया आपका, और RF आपका कितना आपका 9, RF कितना हो गया आपका 9, राइट। ये कितना हो गया आपका राइट। तो PE फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ PE अपॉन EQ। PE आपका हो गया 4, EQ हो गया 4.5। डेसिमल को रिमूव करोगे, जहां भी डेसिमल रिमूव करते हो उसके अपोजिट प्लेस में आपका डेसिमल का जितनी डिजिट होते उतने जीरो आया। अगर आप डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव कर रहे हो तो न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो एक जीरो आता है। देन 5 8 40, 5 9 40, तो ये हो गया आपका PE अपॉन EQ। देन PF अपॉन FR, तो PF कितना आपका 8, ये हो गया 9, ये देखो आपका इक्वल आ रहा है। इन दिस केस जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो आपके इक्वल है, इट मीन बाय कन्वर्स ऑफ BPT जो आपका EF है वो पैरेलल होगा QR। ओके चलो ये भी हो गया आपका, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी जो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है आपका, थर्ड पार्ट में आपका अगेन PQ आपका कितना 1.28। अब आपका PQ जो है ये आपका 1.28 है, और आपका PR देखो आपको क्या गिवन है। अब आपको एक्चुअली क्वेश्चन में आपको पूरी साइड की वैल्यू गिवन है, नॉट PE।
आपको पूरी साइड की वैल्यू गिवन है। पूरी साइड से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो, ये है आपका, तो आपको जो वैल्यू गिवन है वो कैसे गिवन है, अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो इसमें, तो ये आपका ट्राइंगल है। P Q R और ये हो गया आपका E F। इस केस में आपको पूरी P Q की वैल्यू गिवन है, कितनी है 1.2, और P R की वैल्यू गिवन है आपको, P R की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2.56। P E अगेन, तो P E की वैल्यू कितनी है आपकी, P E आपका 2.56, ये P E आपका 0.18 है, P2E ये आपका 0.18, और PF जो है आपका वो 0.36 है। देखो जो आपका BPD जो थ्योरम होती है इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन आपके NCERT में गिवन नहीं है, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि विदाउट टेकिंग एनी चांस हो सकता है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट दे, क्योंकि वो जो इसका जो फर्दर एक्सटेंशन है वो आपकी NCERT में गिवन ना होने की वजह से, मैं आपको एग्जैक्टली मैं उसी तरह से कराऊंगा जितना पार्ट आपका NCERT में गिवन है। आपने जो प्रूव किया था बाय BPT, जो आपका NCERT का सिलेबस है या NCERT के अकॉर्डिंगली, वो आपने ये प्रूव किया था बाय BPT, जो आपका PE है अपॉन EQ शुड बी इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इट इज एडवाइजेबल कि पहले आप PE के साथ EQ फाइंड करो, PE के साथ आप क्या फाइंड करो, QE। कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको EQ फाइंड करना है, EQ विल बी इक्वल टू 1.28, ये कंप्लीट साइड जो है, अगर मैं 1.28 में से 0.18 यानी कि इट मीन्स अगर मैं पी क्यू में से पीई माइनस कर देता हूँ, आई विल हैव क्यूई दैट इज 1.1 सेंटीमीटर, तो जो आपका क्यूई है ये आपका 1.1 आ रहा है। और अगर इसी तरह से अगर आप पीआर आउट ऑफ पीआर अगर आप पीएफ को माइनस कर देते हो, फ्रॉम पीआर इफ यू सब्ट्रैक्टेड पीएफ साइड व्हाट यू विल हैव एफआर, तो एफआर विल बी इक्वल टू 2.56 माइनस 0.36 दैट इज 2.2, दैट इज 2.2। नाउ तो जैसे आप करते हो नॉर्मल रेशियो हो गया अब आपका PE अपॉन EQ, तो हमने फाइंड किया PE अपॉन EQ दैट इज 0.18। देखो ये क्या होगा, PE अपॉन EQ, PE कितना आपका 0.18 और EQ आपका 1.1। जब आप न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव करोगे इसके बाद दो जीरो है, तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे अपोजिट प्लेस में, डिनोमिनेटर के बाद अगर डेसिमल रिमूव करोगे इसके बाद वन डिजिट है, तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 18/110, 18/110 विच कैन बी रिटन एज 9/55। ओके नाउ PF अपॉन FR एंड इट विल बी इक्वल टू 2.56 अपॉन 0.36। अगेन जब डेसिमल रिमूव करोगे 20 आ जाएगी, डेसिमल का रिमूव करोगे तो 20, 00 00 तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो 256 36, PF आपका 36 था, मैंने आई थिंक अपोजिट लिख दिया, जो PF आपका वो 0.36 है, जो आपका PF है अपॉन FR, आपका PF है 0.36, तो आप लिखो 0.36, जो आपका एफ आर है वो कितना आया था आपका एफ आर 2.2। डेसिमल रिमूव करो, डेसिमल का दो डिजिट है, तो ये आ जाएंगे आपकी 00, डेसिमल रिमूव करो, डेसिमल का वन डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/220, 36/220। अगेन इसको सिंप्लीफाई करोगे 18/110 और 18/110 को सिंप्लीफाई करोगे 9/55। You can see that PE upon EQ equal to PF upon FR. ये आपका इक्वल है, because the corresponding side के रेशियो आपके इक्वल है, तो by converse of BPT, हमने अभी यही प्रूव किया थ्योरम 6.2 में, कि अगर अपोजिट साइड की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होते हैं अगर वो इक्वल है, तो ये जो लाइन है जो उनको कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करते हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल है। जो भी आपने पार्ट स्टडी किया उसमें से यही ट्रिकी था, ये बताओ क्लियर हुआ आपको, या अगर क्लियर है आपको तो थम्स अप करो, सो दैट आई वुड बी एबल टू नो कि सबको क्लियर हो गया, एक बार आप देख लो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पूछो। जसमीत मान्य, ओके बाकी बचे।
किसी को रिपीट करना है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं दोबारा से रेगा। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? ज्योति, श्रेया, मयंक एंड तुषार, दीज आर द थ्री स्टूडेंट्स हु हैव। ओके, श्रेया, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री एंड द क्वेश्चन इज, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है 6.1 है, इसमें ये है कि फिगर क्वेश्चन नीचे है, फिगर ऊपर है, बड़ी ऊपर नीचे वाला हिसाब है। देखो ये आपकी फिगर है, इन फिगर 6.18 LM इज पैरेलल टू CB, जो आपका LM है वो आपका CB के पैरेलल। ओके, एंड देन जो आपका LN है वो CD के पैरेलल, जो आपका LN है वो आपका CD के पैरेलल। You have to prove that AM upon AB. What we have to prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. अब यहाँ अगेन आपकी एक लिमिटेशन बन जाती है। लिमिटेशन आपकी क्या बन जाती है कि आपने जो मैंने कहा ना BPT के एक्सटेंशन में, तो इसके अगर मैं कॉरोलरी करता हूँ तो इसमें और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हाफ आपका केस है। हाफ मीन्स AB अपॉन BD इस तरह से। अब यहाँ पे जो अगर आप इस केस को देखो, अगर यहाँ पर अगर आप इस केस को देखते हो, यू कैन सी दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव AB अपॉन AM, जो आपका BPT का पार्ट नहीं है आपके सिलेबस का, तो कैसे प्रूव करोगे? हम उसी के अकॉर्डिंग ही प्रूव करेंगे जो अपना NCERT में गिवन है, जितना एक्सटेंशन आपको BPT में गिवन है हम उसी को यूज करके हम इसको प्रूव करें, राइट? कैसे?